मैं आज बताने वाला हूं पैदल चलने के 13 फायदे, आप जो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। पैदल चलना ये बहुत ही सस्त और मस्त, मतलब एकदम सस्ता और मस्त एक्सरसाइज है। आप रोज 40 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल चलते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको 13 अलग अलग फायदे होंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मगर लोगों को नहीं चलने के लिए या चलना नहीं जमता इसलिए बहुत ज़्यादा कारण है। एक कारण है कि टाइम नहीं मिलता, नंबर दो है रात में उठना पड़ता है तो इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, या नंबर तीन रात को जल्दी नींद नहीं आती इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, नंबर चार बच्चों का करना पड़ता है सुबह सुबह स्कूल की तैयारी करनी पड़ती है इसलिए ऐसा होता है, नंबर पाँच नहीं सवेरे सवेरे बहुत काम होते हैं घर के, ऐसे बहुत सारे कारण होते रहते हैं और फिर लोग चलते नहीं हैं। चलना एकदम सस्ता और मस्त तंदुरुस्त रहने का बहुत ही आसान तरीका है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं 13 मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी कम हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है ना तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसका अंदर का स्तर जो है वो जो मोटा होता है ना मोटा नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो नंबर एक, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम और ब्लड प्रेशर नॉर्मल। नंबर दो, आपका दिल स्ट्रांग हो जाएगा, पंपिंग हार्ट का बहुत अच्छा होता है जब आप फास्ट चलते हो तो, और आपका हार्ट है ना जो मजबूत रहेगा और हार्ट अटैक से आप बच पाओगे। नंबर तीन, इंसुलिन लेवल आपका बढ़ता है जब आप चलते हैं तो, और जब इंसुलिन लेवल आपका बढ़ता है तो डेफिनेटली ग्लूकोज कम हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होंगी और आपको जो दवाई चल रही होंगी डायबिटीज़ की वो दवाई कम हो जाएगी, तो इंसुलिन लेवल कम करने बहुत ही अच्छा फायदा होता है। नंबर चार, आपको ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी। हार्ट ब्लॉक्स होते हैं कभी कभी, भेजे में क्लॉटिंग होता है और ब्लॉक हो जाता है और एकदम पैरालिसिस का अटैक आता है, तो ऐसे काफ़ी सारी ब्लॉकेज की समस्या है कि वो ब्लॉकेज की समस्या आपको नहीं होंगी। नंबर पाँच, गारंटी से आपका वजन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है पैदल चलने की, आपका वजन कम हो जाएगा और वजन कम करने के लिए बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा तरीका है पैदल चलना। तो आपका वजन कम हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे दिखेंगे, फिट दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। नंबर छः, आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे। स्ट्रेस लेवल क्यों कम होती है, क्योंकि आप जब चलते हैं तब आपके काफ़ी सारे फील गुड हार्मोन्स जो है ना वो सीक्रेट होते हैं दिमाग, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सभी अधिक मात्रा में जब वो सीक्रेट होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फील गुड हार्मोन, हैप्पी लगेगा, हैप्पी हार्मोन्स है वो, और जब हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो आपका तनाव कम हो जाएगा और दिन भर आप बहुत ही खुश रहेंगे। नंबर सात, आपकी पाचन संस्था जो अच्छी कार्यरत करेगी, आपकी एसिडिटी कम होना, खट्टी ढकार आना, गैसेस होना, अन्नपचन नहीं होना, ये सब जो है वो सब ठीक हो जाएंगे। पेट फूलना और कब्ज होना, मतलब लेटरिन साफ नहीं होना, ये सब ठीक हो जाएगा। यदि आपको लेटरिन साफ होती है तो डेफिनेटली पाइल्स, फिशर, फिस्चुला जैसी जो बीमारियां हैं ना वो भी आपको नहीं होंगी। नंबर आठ, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम डिपॉजिट अच्छा हो जाता है जब आप घूमना चालू करते हैं तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, और हड्डियां जब मजबूत है तो डेफिनेटली जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो नहीं होगा। नंबर नौ, आपके जॉइंट बहुत मजबूत होंगे। क्या होता है कि जब चलते हैं तो पैर के मसल जो है ना वो स्ट्रांग होती है, वो जॉइंट्स को अच्छा पकड़ के रखती है। आप दौड़ते हैं तो हाथ भी चलते रहते हैं, वो भी जॉइंट्स मसल्स अच्छे हो जाएंगे और जॉइंट्स भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और आपके जो जोड़ों के दर्द है वो कम हो जाएंगे। नंबर दस, आपका जो मूड जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। जब आप जाते हो बाहर घूमते हो, आप कम्युनिटी बनाते हैं दोस्तों की, उनके साथ में जाते हो, परिवार के साथ में जाते हो तो अच्छा लगता है, लोगों के साथ में जाते हो तो आपका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 11, आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब प्रतिकार शक्ति जो है विरोध करने की, मतलब कोई बीमारी को विरोध करने की जो शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है और उससे फिर आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, मतलब ये खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह तो आपके आसपास भी नहीं बढ़ेगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, अच्छा रहेंगे। नंबर 12, आपके फेफड़े जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। सांस फूलती है, सांस अंदर बाहर होती है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा जाता है, फेफड़े बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता कभी कोविड जैसी बीमारी आती है तो आपको नहीं होंगी। नंबर 13, आपके सपने पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि आप बाहर जब घूमने जाते हो तो आप नेचर के साथ में हो, आपको टाइम मिलता है, आप अकेले रहे तो बहुत ही अच्छा है, जब आपको टाइम मिलता है तो नए नए विचार आएंगे, आप अपने सपने के बारे में सोच सकते हैं, गोल्स के बारे में सोच सकते हैं, आपको नई नई एक्शंस आ जाएंगी। जब अकेले रहते हैं चलना चालू है
नई नई एक्शंस आ जाएंगी, और वो एक्शंस आप जब लेना चालू करेंगे तो आपके सपने पूरे होने में, सपने साकार होने में वो सहायता होंगी। तो ये 13 फायदे हैं। अब इसमें बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि नहीं हमको टाइम नहीं मिलता है, कुछ तो भी कारण देते हैं। नहीं चलने के बहुत ही कारण आपके पास में, मैं चलने का एक ही कारण आपको बताऊँगा सबसे आखिरी में। स्टूडेंट बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, तो स्टूडेंट को बताऊँगा कि भाई आपकी जो पढ़ाई है, ऑडियोस जो है, ऑडियोस वीडियोस ईयरफोन लगाना, चलना और पढ़ाई करना। आपके ऑफिशियल कॉल्स है वो आप कर सकते हैं, किसको कॉल करना है तो वो आप चलते समय कॉल कर सकते हैं, तो आपका टाइम वहाँ बच जाएगा। आपका जो पढ़ाई का टाइम है, जनरल रीडिंग है या पढ़ाई है, वो टाइम आप उस समय करो, मोबाइल लेके जाओ तो उस समय भी आपका काम हो जाएगा, वो आपका टाइम वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। आप ऐप्स, स्टडी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं कि जिससे आपको ये हो जाएगा, मतलब आपका टाइम बच जाएगा। फिर अभी उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक कम्युनिटी बना डालो। ऑलरेडी क्या है कि हर गांव में लोग सुबह घूमने वाले हैं और उनका एक समाज है, एक कम्युनिटी है, तो आप एक तो उसमें ज्वाइन हो जाओ ताकि वो आपको फ़ोन करेंगे और आपको लेकर जाएंगे, और नहीं तो परिवार के लोगों को, पति पत्नी सबको साथ में लेके चलो भाई, जाना ही पड़ता है सुबह, तो एक दूसरे को उठाएंगे वो, तो वो करना पड़ेगा। मतलब परिवार के लोगों को या दोस्त लोगों को लेके घूमो। और फिर जब आप बाहर जाते हो, घूमते फिरते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और एक एक नई दुनिया आपको सुबह सुबह मिलती है कि जिसमें आप नेचर के साथ में, मज़ा आ रहा है, अच्छी बातें हो रही है, एक कम्युनिटी में आप है, तो ये आप डेफिनेटली करेंगे। नहीं जाने के बहुत कारण हैं, जाने का सिर्फ एक ही कारण है, और सुबह चलने का एक ही कारण है, वो है कि आपने अपने आप को शब्द दिया है कि मैं मेरे सेहत के लिए बहुत कमिटेड हूँ, मैं मेरे सेहत के लिए बहुत ही वचनबद्ध हूँ, और वो एक मैं शब्द मुझे खुद को दे रहा हूँ कि मैंने चलने का है। बस ये एक ही कारण के लिए आपने चलने का है, क्योंकि आप जब रात को सोते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी मैं कल सुबह उठ के जाऊँगा घूमने के लिए, और सुबह आप अपने शब्द तोड़ देते हैं, और तोड़ने के लिए बहुत कारण होते हैं, तो वो नहीं है, मेरा शब्द है कि मैं जाऊँगा, बाकी सब कुछ छोटा है, मेरा शब्द बहुत बड़ा है, और उसके लिए मैं सुबह घूमने के लिए जाऊँगा, चलने के लिए जाऊँगा। जब चलेंगे तब आपने, आपको आदत नहीं होगी, तो पहले धीरे धीरे चालू करो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना है, और बाद में धीरे 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 बढ़ाते 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 आप कम से कम 8 किलोमीटर, मतलब वो करीब करीब 10,000 कदम होते हैं, तो 10,000 कदम आपको चलने के हैं, आप बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है, मौल्यवान है। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को ये शेयर करो। थैंक यू।